मध्य प्रदेश सरकार ने डिंडोरी जिले के एक स्कूल में कुछ लड़कियों के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में ठीक तरीके से नहीं निपटने को लेकर बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक संजय सिंह का तबादला कर दिया। ये आदेश होली की छुट्टी होने के बावजूद आया। एक अधिकारी ने कहा कि सिंह को भोपाल पुलिस मुख्यालय में सहायक महानिरीक्षक बनाया गया है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथित छेड़छाड़ के मामले में निपटने के तरीके पर नाराजगी जताई थी। इस मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को बुधवार सुबह निलंबित कर दिया गया। डिंडोरी एसपी सिंह ने मंगलवार को रोमन कैथोलिक समुदाय के जबलपुर डायोकेसन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल में कुछ लड़कियों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को निलंबित करने का आदेश दिया था। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर कुछ छात्राओं ने मारपीट और छेड़छाड़ की शिकायत पर चुनवानी के स्कूल के एक पादरी, एक नन, प्रिंसिपल और एक अतिथि शिक्षक के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया था और प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मंगलवार को छात्राओं और अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद डिंडोरी के पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि आरोपित प्रधानाध्यापक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला नहीं दर्ज करने और आरोपी को रिहा करने पर समनापुर थाना प्रभारी विजय पाटले को निलंबित कर दिया गया है। न्यायाधिकारी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कानूनगो ने कहा कि जिस संगठन में बच्चों का कथित रूप से यौन शोषण किया गया वो सरकार से धन प्राप्त कर रहा था। उन्होंने कहा कि एक ही परिसर में 4 अलग अलग छात्रावासों के नाम पर सरकारी पैसा लिया जा रहा था और बच्चों से फीस की वसूली भी की जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि संस्थान में धर्मांतरण के साक्ष्य भी मिले हैं।